नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, भीषण गर्मी के बीच देहरादून शहर में लगने वाले जाम ने आमजन के पसीने छुड़ा दिए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ रहा। स्कूलों में छुट्टियां होने और अन्य राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमा गई है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को सचिवालय में कैंची धाम और पूर्णागिरी में व्यवस्था और मानस खंड मंदिर माला मिशन की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुमाऊं मंडल में कैंची धाम और पूर्णागिरी में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंची धाम में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, चार धाम यात्रा पंजीकरण की जांच में सख्ती के बाद 19 से 20 हजार श्रद्धालु ही प्रतिदिन धाम पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा में पंजीकरण व्यवस्था सख्ती से लागू किए जाने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या नियंत्रित हुई है। केदारनाथ के दर्शन को कपाट खुलने वाले दिन से ही श्रद्धालुओं का जो रैला उमड़ रहा है वो अब नियंत्रण में है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, मोरी तहसील क्षेत्र में हर साल दर साल आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इन्हें रोकने और इन पर काबू पाने के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे। क्षेत्र में 40 से ज्यादा गांव अभी भी सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। इससे अग्निशमन और राहत एवं बचाव दलों को यहां तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। गांव में पानी की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। इन्हीं वजहों से सालरा गांव में अनिल सिंह के भवन में लगी आग इतनी विकराल हो गई और समय रहते उस पर काबू नहीं पाया जा सका। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, कोडियाला से देवप्रयाग की तरफ जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष देवप्रयाग फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। बता दें कि तेलंगाना के यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी अचानक ब्रेक फेल होने से गाड़ी पलट गई। वाहन पलटते ही अंदर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। फोर्स की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 6 घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश भेजा गया। अन्य सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिनके लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।